गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी एसएसटी इन ईवीएस लेसन 4 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। तो स्टूडेंट्स, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग लेसन 4 में हमने हाउसिंग पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे क्लॉथिंग। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्लॉथिंग यानी कपड़े। ठीक है, वी ऑल वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर सेल्फ्स। ठीक है, हम अपने आप को ढकने के लिए क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। हम सभी कोई कपड़े पहनते हैं अपने तन को ढकने के लिए। ठीक है, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड एंड ऑल्सो फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। ठीक है, और क्या होता है कि कपड़े क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, हमें सुरक्षा देते हैं, है ना, गर्मी से, ठंड से, बारिश से या फिर किसी कीड़े मकोड़ों के काटने से भी हमें कपड़े जो है हमें बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में, अलग अलग मौसम में हम जो हैं कपड़े जो हैं अलग अलग तरह के पहनते हैं। क्लॉथ्स फॉर एवरी सीजन, हर सीजन के क्लॉथ, हर मौसम के लिए कपड़े जो हैं होते हैं। ठीक है, आइए, वी नीड क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड द क्लाइमेट, है ना। तो मौसम है ना और जलवायु के अनुसार है ना हम जो है कपड़े, हमें कपड़े की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसी जैसा मौसम रहता है या फिर जैसी है ना जलवायु रहती है वैसे हम कपड़े यूज़ करते हैं। ठीक है, वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल में हम जो है अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, जैसे गर्मी में क्या होता है कि हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन मतलब सूती वस्त्र। ठीक है, गर्मी के मौसम में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल एंड गिव अस रिलीफ फॉर द हीट ऑफ द सन। ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ्स क्या होता है, हमारी बॉडी को कूल मतलब ठंड रखता है ना, शांत रखता है, और क्या होता है सूर्य की गर्मी से हमें बचाता है, ये आराम भी देता है। ठीक है, सूर्य की गर्मी से हमें सुरक्षित रखता है। ठीक है, राहत देता है ना। इन विंटर वी वियर उलन क्लॉथ्स, है ना, और ठंड में क्या होता है हम कौन से कपड़े पहनते हैं, उलन यानी ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, उलन क्लॉथ्स डू नॉट लेट द वर्मथ ऑफ आवर बॉडी गो आउट, है ना। तो उलन क्लॉथ क्या होता है, हमारी बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, दस दे कीप आवर बॉडी वर्म, है ना, और इस तरह से हमारी बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है। वी ऑल्सो पुट ऑन शूज एंड सॉक्स टू प्रोटेक्ट आवर फिट, और हम क्या करते हैं अपने पैरों को बचाते हैं ठंड से, उसके लिए क्या करते हैं शूज़ और सॉक्स भी पहनते हैं, है ना। ठंड के मौसम में आप पहनते होंगे ना, है ना, शूज़ पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, है ना, सिर को ढकने के लिए स्कार्फ बांधते हैं। ठीक है, तो ये सब ठंड से बचने के लिए हम ऊनी वस्त्र का यूज़ करते हैं। ठीक है, उलन कपड़ों का। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान यानी बारिश के दौरान क्या करते हैं, वी वियर अ रेन कोट, है ना, हम लोग रेन कोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ्स फ्रॉम द रेन, बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं हम रेन कोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो वियर गम बूट्स, और क्या करते हैं हम गम बूट्स का भी यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज अम्ब्रेला टू सेव अस फ्रॉम रेन, है ना, और बारिश से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं हम अम्ब्रेला यानी छाता का भी यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिफॉर्म्स, अब आइए यूनिफॉर्म्स देखते हैं। सम पीपुल वियर स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन ऑफिस एंड वर्क प्लेस। ठीक है, को कार्यालय में, है ना, कुछ लोग जो होते हैं कार्यालय के लिए अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो सच ड्रेसेस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, तो इस तरह के ड्रेस को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं, वर्दी कहते हैं। ओके,
वी वियर आवर यूनिफॉर्म वेन वी गो टू स्कूल, है ना। हम अपनी वर्दी कब पहनते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जब जाते हो तो, है ना, तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है, पहनते हो ना, तो उसी तरह तो वो क्या है, यूनिफॉर्म है, वर्दी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म्स आर ऑल्सो वर्म बाई पुलिसमैन, नर्स, सोल्जर्स, पोस्टमैन एंड मैनी अदर्स, है ना। तो यूनिफॉर्म और लोग पहनते हैं, जैसे पुलिस पहनते हैं, नर्स पहनते हैं, डॉक्टर पहनते हैं, ठीक है, वॉचमैन पहनता है, है ना, पोस्टमैन पहनता है, ये सब मतलब यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज सच पीपुल बाय देयर यूनिफॉर्म, तो उनकी यूनिफॉर्म से हम क्या करते हैं, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं कि ये कौन, जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म देख करके हम जान जाते हैं कि ये पुलिस वाला है, ठीक है। डॉक्टर की यूनिफॉर्म देख के हम समझ में आ जाता है कि डॉक्टर है, है ना, तो उनकी यूनिफॉर्म से हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दे रहा है जैसे स्टूडेंट, है ना, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट की यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर ये पुलिसमैन, आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिसमैन, तो और ये नर्स, ये डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म है, ये वॉचमैन है, ये सोल्जर्स हैं यानी सैनिक हैं, ठीक है, और ये पोस्टमैन है, ठीक है। तो इनकी वर्दी से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉथ फॉर डिफरेंट ओकेशन, ठीक है, तो कपड़े जो हैं मतलब हर ओकेशन के अलग अलग तरह के त्योहारों के लिए, है ना, कपड़े भी अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग अवसरों के लिए कपड़े जो हैं अलग तरह के होते हैं, ठीक है। मेन वियर कुर्ता पायजामा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स एंड टी शर्ट, ठीक है। तो लोग जो हैं, आदमी जो हैं, वो लोग ये सब कपड़े पहनते हैं, जैसे कुर्ता, है ना, ओकेजन पर, है ना, कोई त्यौहार पर या फिर कुछ खास अवसर पर क्या क्या पहनते हैं, कुर्ता पायजामा पहनते हैं, शर्ट ट्राउज़र पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ठीक है। इस तरह के कपड़े जेंट्स लोग यानी आदमी लोग पहनते हैं, ठीक है। और वुमेन वियर साड़ी, सूट, सलवार, स्कर्ट एंड ट्राउजर्स, है ना, तो ये वुमेन के ड्रेस होते हैं, उस तरह के ओकेजन पर पहनते हैं, है ना, जैसे साड़ी पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं, है ना, ट्राउजर शर्ट पहनती हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लॉथ्स आर वर्न ऑन डिफरेंट ओकेजन, है ना, हर तरह के कपड़े जो अलग अलग तरह के ओकेजन पर पहनते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड अदर सेलिब्रेशन वी वियर द बेस्ट क्लॉथ्स टू लुक स्मार्ट, है ना, तो फेस्टिवल में या फिर अन्य कुछ अवसर में हम अपने को स्मार्ट दिखने के लिए, है ना, सबसे अलग दिखने के लिए सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। हाउ डू वी गेट क्लॉथ्स, मतलब हम कपड़े कहाँ से पाते हैं, है ना, तो क्लॉथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कपड़े जो हैं बहुत तरह की सामान से बनते हैं, ठीक है। ऑल दीज मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स, तो इस तरह के कपड़े जो हैं, है ना, कपड़ों मतलब हमें कहाँ से पाते हैं कपड़े, जिन मटेरियल से बनते हैं कपड़े, वो मटेरियल हम कहाँ से पाते हैं, प्लांट से पाते हैं, पौधों से पाते हैं या और क्या, एनिमल्स से पाते हैं, ना, तो ये कैसे पाते हैं एनिमल से और पौधों से, देखते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, है ना, कपड़े जो होते हैं ऊनी सूती जो कपड़े होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉटन प्लांट से मिलते हैं, कॉटन प्लांट होता है कपड़े का, है ना, उसे कॉटन प्लांट कहते हैं, ठीक है, तो उससे हमें जो मिलता है, ठीक है, उससे हमें क्या, उस पौधे से जो ये निकलता है, ठीक है, कपड़ा कॉटन निकलता है, उससे कपड़े बनते हैं, ना, तो उससे कौन से कपड़े बनते हैं, कॉटन बनते हैं, ठीक है, कॉटन क्लॉथ बनते हैं, सूती वस्त्र। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, है ना, तो कॉटन हम कहाँ से पाते हैं, कॉटन प्लांट से पाते हैं। और आते हैं उलन,
Woolen cloths are made of wool. तो woolen cloths किस चीज़ का बना होता है? ऊन का बना होता है, ठीक है? We get wool from the fur on the body of sheep, है ना? तो sheep यानी भेड़, भेड़ के बॉडी से हमें फर मिलता है, ऊन मिलता है, ठीक है? और उससे क्या होते हैं? ऊनी वस्त्र बनते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर फिगर में, ये शिप है, ये गिव है ना, ये क्या दिया है? ऊन दिया है, ठीक है? इसके फर से ऊन मिलता है, ठीक है? और उस ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका ये लेसन कम्प्लीट हो गया है। थैंक यू एवरीवन।